वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल राइड फॉर एडवेंचर। दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है दोस्तों वो होने वाली है लाल ताजमहल के ऊपर, जो कि एक कॉपी किया गया है जो मेन ताजमहल है। दोस्तों आपने वो ताजमहल तो देखा होगा जो कि आगरा में ही है, और दोस्तों ये ताजमहल भी आगरा के अंदर ही है, और दोस्तों उस ताजमहल की तर्ज पर यानी इसको तैयार किया गया था। दोस्तों वो ताजमहल जो बनाया गया था वो बनाया गया था मुमताज़ महल की याद में शाहजहाँ के द्वारा, लेकिन ये जो लाल ताजमहल है ये बनाया गया था एनी हैंसिंग के द्वारा, जो कि अपनी पति के लिए बनाया था, जिसे विलियम हैंसिंग कहा जाता है या जॉन विलियम हैंसिंग के नाम से भी जाना जाता है। तो हम आपको बताते हैं, दिखाते हैं, चलिए आगे और आपको बताते हैं। दोस्तों थोड़ा सा मैं ना ब्रीफ है ना जॉन विलियम हैंसिंग तो जो थे उनके बारे में बता देते हैं आपको। दोस्तों इनका जो जन्म हुआ था वो सन 1739 ईस्वी में हुआ था। ये डच फैमिली से थे और नीदरलैंड में हुआ था। दोस्तों नीदरलैंड के वासियों को ही डच कहा जाता है। दोस्तों ये क्या है कि 24 साल की उम्र में ये भारत में आए थे और एक डच सैनिक के तौर पर यहाँ पर आए थे। और जैसे ना उससे पहले भी है ना, जैसे क्या होता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, फिर फ्रांसिस कंपनी आती है उससे पहले, और फिर उससे पहले डच कंपनी आती है। तो क्या होता है कि ये अपना अधिकार करते हैं भारत पर, जैसे है ना अधिकार क्षेत्र बनाते हैं या उसे जीतते हैं। और जैसे क्या होता है कि सन 1739 में जब ये इनका जन्म हुआ था, और फिर ये 24 साल की उम्र में लगभग सन 1763 की ईस्वी में जब भारत आए थे लगभग, और उसके है ना लगभग 7-8 साल बाद लगभग है ना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरे भारत पर राज हो गया था और उसने पूरे भारत पर अधिकार कर लिया था। तो इन्होंने क्या किया कि मतलब सन 1784 ईस्वी में जो अपने ग्वालियर के जो राजा थे जिसे महान जी सिंधिया के नाम से जाना जाता है, उनके यहाँ पर इन्होंने है ना उच्च अधिकारियों के पद पर नियुक्त किया गया था। और उनकी सन 1784 की ईस्वी में उनकी मौत होने के कारण फिर ये है ना आगरा आए, और उनके जो मराठा थे उनके सैनिक मतलब जो मराठा थे उनके सेना उनके यहाँ पर सेनापति के पद पर नियुक्त किए गए। इन्हें है ना 3000 सैनिकों के मतलब जो टुकड़ी थी सौंपी गई और सेनापति का पद इन्हें सौंपा गया था। दोस्तों फिर क्या हुआ कि जैसे सन 1803 ईस्वी में अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए ये है ना मतलब इनकी है ना मौत हो गई, और फिर इनकी जो बीवी थी या मतलब इनकी जो पत्नी थी उन्होंने है ना सन 1803 ईस्वी में इनका यहाँ पर मकबरा तैयार करवाया, जिसे हम है ना जॉन विलियम हैंसिंग का मकबरा के नाम से जानते हैं, और उसे है ना लाल ताजमहल के नाम से भी जाना जाता है। चलिए चलते हैं हम ऊपर और आपको दिखाते हैं। दोस्तों ये कंप्लीट है ना उसी की तर्ज पर बनाया गया है, और ये लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है। दोस्तों वो ताजमहल तो आपने देखा होगा जो मार्बल से बना हुआ है। दोस्तों ये लाल बलुआ पत्थर से क्यों बनाया गया, दोस्तों हम इसका भी एक कारण था, क्योंकि जो हैनी हैंसिंग थी जो जॉन विलियम हैंसिंग की पत्नी थी उनके पास इतनी धन नहीं था या पैसे नहीं थे, जिसके कारण है ना वो उनके लिए है ना वाइट मार्बल से ताजमहल को तैयार करें। तो उन्होंने है ना ये तय किया कि लाल बलुआ पत्थर से ही इनका मकबरा तैयार किया जाए, जिससे कि वो मेन कारण था पैसों का। आइए और दिखाते हैं हम। जैसे आपने है ना उसमें देखा होगा कि चारों तरफ उसमें क्या है कि इमारतें बनी हुई थी, लेकिन दोस्तों हम आपको ये भी बताएं कि इसमें भी है ना आप जैसे देख रहे हैं ये वाली इधर देखिए जो वहाँ पर जो साइड में है ना जो मतलब गुबंद आकार जो इमारत बनी हुई थी साइड में चारों तरफ उसी के लिए ये है ना स्थान बनाया गया था। देखिए उसमें वहाँ पर भी देखिए और उधर भी
मतलब यहाँ पे है ना मीनारें बनाई गई थी उसके लिए, ताजमहल की, जैसे ताजमहल की कॉपी करने के लिए। लेकिन क्या है कि पैसे का अभाव होने के कारण यहाँ पर केवल एक है ना मतलब छतरी, वो मतलब बैठने की एक आकृति नुमा बना दी गई है। और इसको भी देखिए जैसे क्या है कि मतलब हूबरू मतलब कॉपी किया गया है ताजमहल को। ये सैंडस्टोन्स कहते हैं उसी के आधार पर ये बनाया गया था। कट। दोस्तों हमने आपको है ना जॉन विलियम हैंसिंग के बारे में बताया और इसके बारे में बताया। दोस्तों ये 1803 ईस्वी के बाद जब है ना जॉन विलियम हैंसिंग की मौत होती है तो उसके बाद उनकी बीवी हैनी हैंसिंग उनके लिए मकबरा तैयार करती हैं जो लाल बलुआ पत्थर से होता है। पैसे की कमी के कारण ये तैयार किया जाता है और इसमें क्या है कि सब कुछ है जो थोड़ा सा भी जो एयर फेयर किया गया है दोस्तों वो है ना केवल है ना पैसे की कमी के कारण किया गया था, क्योंकि उनके पास केवल जो संपत्ति थी वो थी 1,00,000 रुपये। तो 1,00,000 रुपये के आधार पर जो चीज़ है ना जो मोनूमेंट्स यहाँ पे बन के तैयार हुआ, जो मकबरा बन के तैयार हुआ तो उन्होंने तैयार करवाया। दोस्तों जो चार मीनारें थी हमने आपको बताया कि जो वो ताजमहल में चार मीनारें थी वो यहाँ पर भी तैयार करवानी थी, लेकिन क्या हुआ कि पैसे की कमी के कारण वो तैयार नहीं हो पाई और यहाँ पर केवल है ना एक है ना जो बैठने की सलाहकृति होती है वो वहाँ पर तैयार कर दी गई। दोस्तों इसी प्रकार की हमने ना आकृति जैसे जो सीढ़ियाँ हैं हमने वहाँ पर भी देखी थी ताजमहल में, और यहाँ पर भी उसी प्रकार की सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। इसके चारों ओर तरफ देखा तो ये दोस्तों ये कब्रिस्तान है जो कि रोमन कैथोलिक कब्रिस्तान है। दोस्तों देखा जाए तो ये है ना आगरा का सबसे पुराना कब्रिस्तान माना जाता है, क्योंकि जो बादशाह अकबर थे उन्होंने है ना ये कब्रिस्तान है ना दान में दिया था रोमन कैथोलिक धर्म के लोगों को, क्योंकि कब्रिस्तान के लिए। और उसके बाद है यहाँ पर ना कब्रिस्तान बनाया गया था और जॉन विलियम हैंसिंग के ना यहाँ पे है ना 1803 के बाद यहाँ पे ये मकबरा बनना शुरू हुआ था जो लगभग कुछ टाइम तो लिया हुआ। दोस्तों यहाँ पे जितनी भी आप कब्रें देख रहे हैं इस साइड में जितनी भी कब्रें हैं ये दोस्तों 16वीं और 17वीं शताब्दी की कब्रें हैं। दोस्तों ये सारी है ना जैसे ना यूनानी और इंग्लैंड डच मतलब जो खोज करता थे उनकी कब्रें हैं यहाँ पर ज़्यादातर कब्रें 16वीं और 17वीं शताब्दी की। और दोस्तों यहाँ पर हम देखें तो जो अंदर जो कब्र है वो जॉन विलियम हैंसिंग की कब्र है। यहाँ पर एक छोटा सा छेद दिया गया है दोस्तों, देखिए जो क्या होता है दोस्तों जैसे जो ऊपर जो कब्र होती है वो है ना कॉपी कब्र होती है, जो मेन कब्र होती है वो इसके नीचे होती है। जैसे ताजमहल में हमने देखा है जैसे ऊपर है ना क्या है कि मेन कॉपी कब्र है और नीचे जब नीचे जाएंगे जो कि उसे बंद कर दिया गया है वो ओरिजिनल कब्र थी। आइए और दिखाते हैं। दोस्तों ब्यूटीफुल व्यू, दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्दी मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ। जय हिंद जय भारत।